हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। रात 9 बजे के सेशन वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स में हम सुनील सर लेकर के हम आपके लिए एक छोटी सी सीरीज पैसिव कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिसके एक वॉल्यूम को हम दो वॉल्यूम को हम मॉर्निंग में पढ़ चुके हैं, 11 o'clock और 4 o'clock। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इसको थोड़ा सा समझ जाएँ कि ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो हमने कब पढ़ी और क्यों पढ़ी है। छोटी सी डिटेल दूंगा आपको, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं बहुत कम, आपने देखा होगा मैं बहुत कम टाइम लॉस करता हूँ औरों के मुकाबले, मैं बहुत टू द पॉइंट बात करता हूँ। वॉल्यूम 1 हमने पढ़ी है 11 AM और वॉल्यूम 2 हमने पढ़ी है 4 PM। आपको अगर 15 मिनट की भी टाइम हो तो इन दोनों सेशन को आप देख लेना। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा वॉल्यूम 3 और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट में आज बहुत ही शानदार वोकैब का टेस्ट हुआ था, वोकैब में सिनोनिम्स का, और 15 में से 5 क्वेश्चन लोग नहीं कर पाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा उस सेशन को आप शाम 5:30 बजे 5:30 का जो मेरा लाइव टेस्ट था उसको आज जो गया हुआ उसको आप जाके जरूर देखेंगे। राइट दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन की। मैं आपको बता दूं चैप्टर पैसिव वॉइस की, जिसकी दो सीरीज आज मॉर्निंग में 11 बजे और 4 बजे मैंने करवा दी, और ये अगली सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स दोनों चैनल है, आपके बहुत काम आएंगे, सिलेक्शन वाले चैनल हैं, सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 7 मिनट ट्रिक हमारा जो है ये भी एक अनअकैडमी लॉन्च कर रखा है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन बहुत शानदार प्रोग्राम है, इसको आप देखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। पैसिव के लिए कुछ थोड़ा सा हमने पैटर्न छोड़ा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिगिन होते हैं सारे के सारे, और एक एक पे टीचिंग पॉइंट्स वैलिडिटी के साथ हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किस क्वेश्चन में किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको ये देखना है सेशन की, यहाँ पर जब हम टीचिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो पैसिव कंस्ट्रक्शन में या पैसिव वॉइस में मेन एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग की, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे टीचिंग में काम में आएंगे। पहली बात तो ये है कि S प्लस V प्लस O का जो पैटर्न है आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। S प्लस V O इक्वल्स टू को हम बना देंगे O प्लस V प्लस बाई S, यानी कि दोस्तों क्या होगा, यानी कि ये होगा कि जो सब्जेक्ट पहले होता है वर्ब बाद में और ऑब्जेक्ट लास्ट में, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट एक नंबर पे चली जाएगी, वर्ब मिडिल में चली जाएगी 2 नंबर पे, और लास्ट के एरिया को हम कोट कर देंगे किससे, बाई प्लस सब्जेक्ट से। ये सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग पॉइंट, और सेकंड टीचिंग पॉइंट इसमें ये है कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हर पैसिव कंस्ट्रक्शन में, और नेक्स्ट एक पॉइंट ये है कि एचवी अप्लाई करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करे बिना हम पैसिव नहीं बना सकते। तो एचवी को अप्लाई करने का मतलब ये है कि टेंस के अकॉर्डिंग, जो टेंस है टेंस अकॉर्डिंग हम एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी लाएं या बिन लाएं या बींग लाएं, ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा। राइट, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में तो हम बी लाएंगे, परफेक्ट टेंस में हम बिन लाएंगे, और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम बींग लाएंगे, और इनको लाने के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में सबके पैसिव बनाने शुरू कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न हमारा राइट हो जाएगा। एक सवाल आपके मन में और आएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें क्यों करने हैं, हम तो सीडीएस वाले हैं। तो आप सीडीएस वाले हो, मैं जानता हूं आप सीडीएस वाले हो, आप एफकेट वाले हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है पैसिव का पैटर्न अगर नहीं आया तो हम ना तो ढंग की कोई एरर निकाल सकते, ना ही ढंग के हम कोई करेक्शन वाले सेंटेंस कर सकते, करेक्शन जिनमें लागू होता है, और ना ही हम बहुत अच्छी क्वालिटी के दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी, इसलिए ध्यान देंगे। वी ऑल नो दैट, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन क्या है, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, हम सबको ये पता है कि देयर इज ओनली वन गॉड। दोस्तों ये बी वर्ब है, इसका पैसिव हो नहीं सकता, तो ये एक साथ रहेगा, तो फिर पैसिव किसका बनेगा, इस तरह नो का, नो को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये बन जाएगी आपके के एन ओ डब्ल्यू एन नोन, और प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए इसमें इज जरूर आएगा,
ये हैव वर्ब है, ये आर वर्ब है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये रहा. इट इज नोन टू अस ऑल, इट इज नोन टू अस ऑल, ओनली वन गॉड इज नोन बाय अस ऑल. ये गलत हो गया, ये पैटर्न, ये पैटर्न समझ जाए, देर इज ओनली वन गॉड. सही जवाब आपका हो गया क्या, बी फॉर बॉम्बे. ठीक है दोस्तों, नो वर्ब की पैसिव नोन में बनती है कब, जब आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, अगर यह ऐसे होता वी ऑल नो रमेश, हम सब रमेश को जानते हैं, तब ये इट से नहीं बनता, तब यहां रमेश आ जाता इट की जगह. लेकिन चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए हमें इट से ले जाना जरूरी हो गया था. दोस्तों एक सीरीज के 1 to 30 के क्वेश्चन भी जा चुके हैं, आपको बता दूंगा. आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 15 और 16 to 30 ये मॉर्निंग में जा चुके हैं. 1 to 15 11 AM गए हैं और 16 to 30 ये 4 PM NDA वाले सेशन में गए हैं. और अभी आपका सेशन जो है वो चालू है. द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर. दोस्तों याद रखें, जब भी इलेक्टेड वर्ब होगी उसका जो अगला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो वहीं रहेगा, वो वहीं रहेगा. ठीक है, इसका मतलब है हिम से सेंटेंस बिगिन हो नहीं सकता, ही से हो सकता है, ही से हो सकता है, मेयर से नहीं हो सकता. तो ए और सी कैंसिल. इलेक्टेड कौन सी फॉर्म में दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में. इसका मतलब इसका टेंस क्या है, इसका टेंस पास्ट है. पास्ट है तो ये इज इलेक्टेड नहीं आ सकता. तो इसका मतलब दोस्तों डी भी गलत है. 15 सेकंड में आपका जवाब आ गया, आंख मीच के बोल दो. ए फॉर अंटार्कटिका, और आपका ये बन गया, सॉरी ही वॉज इलेक्टेड में, नहीं बी हो गया ना आपका, बी सॉरी बी हो गया ना आपका. ये पास्ट में है ना, ये पास्ट में है, ये ही से बना है. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी हो गया आपका आंसर. कंफ्यूजन था इसमें, ठीक है ना, टेंस का कंफ्यूजन था. पीपल इलेक्टेड, मैंने आपको पहले ही कहा था पास्ट फॉर्म में तो इससे बनेगा नहीं, और जब मैंने खुद नहीं कहा इससे नहीं बनेगा तो ये बन गया आपका वॉज से. ए में तो हिम दिया हुआ है ना, हिम जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बनेगा नहीं, एम आई राइट. तो ये सही जवाब हो गया आपका, बी फॉर बॉम्बे. डोंट लाफ एट मी, मेरे पे मत हंसो. डोंट लाफ एट, लाफ एट एक क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब है. तो पैसिव बनेगा तो इसका पूरा पैसिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. डोंट लाफ एट मी, और मी का क्या बन जाएगा, आई. ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको डोंट लेट से बनाओगे तो लेट का मी ही रहेगा, लेट मी, मी. और डोंट में नॉट आएगा तो ये रहा नॉट, लेकिन इसमें एट नहीं आया है, एट तो ये गलत हो गया. इसमें एट आया है लेकिन बी नहीं आया है, लेट भी नहीं आया है, और नेगेटिव भी नहीं है. इसमें नेगेटिव भी है, मी भी है, और ये नेगेटिव नहीं है. सही जवाब आपका हो गया बी, बी से बड़ौदा. अगर प्लेन इवेंट में आप इसको देखेंगे तो दोस्तों आपको ये बहुत बहुत मुश्किल लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली ले इसको. आगे बताऊंगा आपको कि इसको क्यों करते हैं. आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा मकान छोड़ते हुए. किसने देखा, मैंने, किसको देखा, उसको, मैंने उसको देखा, तो वो देखा गया, वो देखा गया, वो देखा गया. तो ए तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया. सॉ कौन से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट, पास्ट का मतलब है ही के साथ में आगे क्या आना चाहिए, सिंगुलर में वॉच, ये वॉच और ये वॉच. तो आपका सी भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, बिन दिया हुआ, जो कि गलत है. इसमें है ही वाज सीन टू बी लिविंग, और इसमें दिया हुआ ही वाज सीन लिविंग, डायरेक्ट लिविंग है, द हाउस बाय मी. बी लिविंग हो नहीं सकता, टू बी के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती नहीं, तो थर्ड वाला, फोर्थ वाला ऐसे भी कैंसिल हो गया. ठीक है, बचा क्या आपके पास, बी फॉर बॉम्बे. ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों. समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, किसी ने बैल को बहुत जोर से खींचा.
समवन पुल्ड, पुल्ड कौन से फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म का मतलब इसमें क्या आएगा, वॉज आएगा, और जो बैल है बुल ये शुरू में आ जाएगा क्योंकि हमें पैसिव बनाना है, तो बैल को शुरू में लाओ। चारों में ही शुरू में, तो वॉज देखो ये हैड बीन है, कैंसिल, ये वॉज है, ये वॉज है, ये हैड बीन, ये कैंसिल, वॉज टू बी पुल्ड, नहीं वॉच टू बी तब आएगा जब ओरिजिनल क्वेश्चन में भी टू बी दिया हो। किसी भी पैसेज का टू बी तब बनता है जब ओरिजिनल में भी टू दिया हो, इसमें कहीं टू नहीं था क्वेश्चन में, तो ये भी नहीं बनेगा। बचा क्या आपके पास, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, बैल को बहुत जोर से खींचा गया आक्रामक तरीके से, और डी जवाब हो गया आपका, कोई ऑप्शन नहीं बचा। हाउ कैन एनीवन डू दिस, हाउ कैन एनीवन डू दिस, दोस्तों पूरा खेल यही है, कैन डू, कैन डू का पैसिव बनता है कैन को बी में ले जाओ और डू को डन में करो। कैन बी डन कहां है, कैन बी डन, कैन बी डन, ये कुड है तो कैंसिल हो गया, ये वॉज है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, हाउ कैन दिस बी डन बाई एनी वन, और एक क्या है, दिस कैन बी डन एनी वन, तो ये तो क्वेश्चन का क्वेश्चन रह गया, और आंसर का आंसर ये बन गया क्वेश्चन। सही जवाब हो गया दोस्तों आपका सी फॉर चंडीगढ़। आई नॉट डू दिस वर्क, आई नॉट डू दिस वर्क, ये भी वही पैटर्न पे है, विल डू विल नॉट, विल के पैसिव में बी, डू का थर्ड फॉर्म डन, बी डन किस में है, ये रहा बी डन, ये रहा बी डन, ये विल डू, ये विल डू, ये दो कैंसिल हो गए वर्ब के मुताबिक, ठीक है। ये आई विल का है, ये लेट से बन रहा है, लेट के क्वेश्चन तभी बनते हैं जब वर्ब के होते हैं, ये वर्ब का क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, है ना, सब्जेक्ट का क्वेश्चन, इसका मतलब दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई मी, सही जवाब है डी, डी से धनबाद। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, अभी अभी बता के गया हूं, पीछे चलेंगे तो आपको, ये रहा मैंने आपसे क्या कहा था, बींग आएगा किसमें, जिसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगी, इस क्वेश्चन में बींग चाहिएगा। दे आर नॉट लेइंग डाउन, इसको हम किसमें ले जाएंगे, इसको हम बींग पैटर्न में ले जाएंगे, ये रहा बींग, और किसी में नहीं दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे कॉलेज नहीं, लेक्चरर नहीं बनना, मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनना, मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, मुझे पता है मेरा जवाब है ए, आगे नहीं जाना है क्योंकि और कुछ ये ही नहीं। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, दे हैव पेंटेड द हाउस, ये लिंकिंग वर्ब का क्वेश्चन है, पेंटेड को हैव में है तो बिन में ले जाइए आप, बिन, और हाउस को पहले लाइए, चारों में हाउस पहले है, ये बिन, ये बिन, इन दो में नहीं है बिन, ये दो मेरे कैंसिल हो गए, अब या तो ये है और या ये है। ओह, इसमें टेंस बदल गया, पास्ट हो गया, और ये प्रेजेंट का प्रेजेंट है, और ये बिन है, और ये पेंट की थर्ड फॉर्म है, सही जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। आंख मीच के बोलिए सी फॉर चंडीगढ़। दे विजिटेड द जू, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, विजिटेड कौन सी फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब में, वॉज या वर्ब, ये क्या है हैड, ये क्या है वॉज, ये क्या है हैड, ये गलत हो गया, ये क्या है हैड, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक बचा, मैं बी के साथ चला जाऊंगा, मेरा जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, ये इट इज टाइम इज, ये इट वॉज, तो सबसे पहले तो हम ए को कैंसिल करेंगे, फॉर टी टू टेक, मैंने अभी आपको बताया था कि जहां टू प्लस आए वहां ही टू भी आ सकता है, टी टू बी टेकन, टी टू बी, इट इज टाइम दैट टी शुड बी टेकन, दैट टी हैड बीन टेकन, इट इज टाइम फॉर टी, फॉर टी टू बी टेकन, It is time that tea should be taken.
ओरिजिनल में टू बी टेकन था, इसमें शुड बी टेकन है, इसको कैंसिल कर दीजिए आप। वर्ब के पैटर्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि टू बी पैटर्न में शुड बी पैटर्न नहीं चलेगा, शुड बी पैटर्न गलत है, ऊपर टू दिया हुआ है तो टू बी पैटर्न ही चाहिए हमें। द मेंबर शुड अधेर टू ऑल द डिसीजंस, द मेंबर्स शुड अधेर टू ऑल द डिसीजंस। ये देखिए शुड है दोस्तों, मॉडल है, इसमें बी वर्ब आनी चाहिए, शुड बी, ये शुड बी, ये शुड बी, इसमें बी नहीं है, ये कैंसिल, इसमें बी है, इसमें भी है, और इसमें ऑल द डिसीजंस हैं, जो कि यहां ऑल द डिसीजन बन गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल द मेंबर्स है और इसमें है ऑल द मेंबर्स, जबकि इसमें है द मेंबर्स। तो ऑल कहां से आया, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब सी हमारा सही ऑप्शन है। His subordinates accused him of various offenses. His subordinates accused him of various, accused him, verb की second form है, him कौन है, he बनेगा, he के साथ was आइए, he was, और accused को आगे ले आइए, he was accused, किसमें दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है, A में नहीं है, B में नहीं है, C में नहीं है, सिर्फ डी में है। सही जवाब है डी फॉर दिल्ली। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हैज समवन मेड ऑल द, मेड, मेड थर्ड फॉर्म में है, ये क्या है, हैज, मुझे क्या चाहिए, बिन चाहिए, और ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए बिन से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे हैव बिन चाहिए, हैव बिन चाहिए, ये हैज है, ये हैव है, ये हैव है, इसमें नहीं है, तो या तो मेरा जवाब ये है या मेरा जवाब ये है। हैव ऑल द नेसेसरी, हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन ऑल मेड, और हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड, इसमें ऑल बिन के बाद अंदर चला गया है, जबकि ऑल हिस्सा किसका है, द नेसेसरी का, और ये रहा द नेसेसरी, और इसमें ये रहा इसका ऑल, कुछ नहीं करना है, ये गलत है, मैं सी के साथ जाऊंगा दोस्तों। वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर सिक्स मंथ्स, छह महीने के बाद हमको इसका परिणाम पता चलेगा इन प्रयोगों का। वी विल नो द आउटकम, ऐसे में आउटकम क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। विल नो, विल नो को अगर मैं यही विल बी नोन कर दूं दिमागी मनी मनी मन में, विल बी नोन, तो ये रहा आपका विल बी, आगे नोन दिया हुआ है, ये रहा आपका विल बी, आगे नोन दिया हुआ है, ये विल बी नहीं है, विल नो है, गलत है, ये विल हैव है, ये गलत है। यहां क्या हुआ है, यहां गलती क्या हुई है, ऑब्जेक्ट पूरा नहीं गया, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ये है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स ये है, फिर विल बी नोन वर्ब है, और ये एडवर्बियल आफ्टर सिक्स मंथ्स, और ये रहा आफ्टर सिक्स मंथ्स। आंख मीच के बोलूंगा सही जवाब है मेरा ए, मैं और किसी के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे आपके लिए, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में, एक कंप्लीट पैटर्न के साथ में हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कुछ नहीं करना, ये बताना है कि आपके कितने आए हैं, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, टीचिंग पॉइंट्स चलते रहेंगे बीच बीच में जैसा कि आ रहा है, पीछे मैं अब आपको लेके चलूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने ये प्रिपरेशन आपको क्यों करवाई, इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था, कल भी बताया था मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। एक क्वेश्चन देखिएगा, पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाते हैं, शी has told to wait by the
by the collector. जैसे क्वेश्चन दिया, she has told, अंडरलाइन कर दिया. अब यहां क्या दिया दोस्तों, by. By का मतलब अब आपको समझ में आना चाहिए वाक्य क्या है, पैसिव है. तो पैसिव में इसके ऑप्शन दे रहे हैं आपको ए बी सी और डी, है ना, ए बी सी और डी. पहले में दिया हुआ आपको शी इज टोल्ड, सी में दिया हुआ है सी हैड टोल्ड, तीसरे में दिया हुआ आपको इंप्रूव करना है शी हैज बीन टोल्ड, तीसरा है, और डी में आपको है नो इंप्रूवमेंट. डी में क्या दिया आपको दोस्तों, नो इंप्रूवमेंट. अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है, ये प्रेजेंट है, ये हेड है, ये बिन पैटर्न में है, सही जवाब हो गया आपका सी. और पैसिव वॉइस अगर आपको आएगा तो आप सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करके सी करके निकल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सेशन पे कमेंट करें दोस्तों और ये बताएं कि सेशन कैसा था. उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फायदेमंद लगा हो. थैंक यू वेरी मच. कल मिलते हैं.